सर दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि जो उत्पन्ना एकादशी है, जो कि कल है यानी 20 नवंबर 2022 को, तो एकादशी व्रत के दौरान काफ़ी लोग फलाहार करते हैं, तो फलाहार में मूंगफली खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? और मूंगफली कैसी खानी है, किस तरह से खानी है, इस वीडियो में आपको दी जाएगी संपूर्ण जानकारी। तो आज हम जानेंगे कि उपवास के दौरान काफ़ी लोग होते हैं जो मूंगफली के दाने और फलियों को सर्दियों के मौसम से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ठंड में लोग उबली या भुनी हुई मूंगफलियों का नाश्ता करते हैं। लेकिन विंटर डाइट का अहम हिस्सा रखने वाली मूंगफली बाकी दोनों सीजन्स में से भारतीयों के ख्याल रखती है स्वाद का। लेकिन व्रत, उपवास और त्योहारों में ड्राई फ्रूट्स और नट्स के साथ साथ मूंगफली के दानों का सेवन भी बहुत अधिक होता है। मूंगफली के दानों का पाउडर साबुदाने की खिचड़ी की लज्जत बढ़ाता है। वही इन स्वादिष्ट बीजों को भूनकर गजक, चिक्की, पट्टी और लड्डू और मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं। ये सभी मिठाइयाँ प्रसाद में चढ़ाने के अलावा व्रत या उपवास के दौरान खाई भी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपवास के दौरान मूंगफली के सेवन से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और आप व्रत के दौरान किस तरह की मूंगफली का आप प्रयोग कर सकते हैं उपवास के दौरान? एकादशी का काफ़ी लोग उपवास रखते हैं। सभी लोग जो लोग 12 महीने की एकादशी करती है, जो साल भर की एकादशी है, जिसमें 24 एकादशियां मानी जाती है, उसमें उत्पन्ना एकादशी को सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। ये मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। तो इस साल ये 20 नवंबर 2022 को है, यानी कि कल। तो व्रत और उपवास के दौरान मूंगफली के सेवन के पीछे सेहत से जुड़े कुछ कारण भी हैं। दरअसल मूंगफली हेल्थी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक अच्छा फूड सोर्स है। साथ ही नेचुरल होने के कारण यह शाकाहारी डाइट में शामिल करने के लिहाज से भी एक आदर्श फूड है। मूंगफली के सेवन से जो एकादशी व्रत, उपवास, नवरात्र जैसे व्रत उपवास के समय ओवरऑल हेल्थ को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। लेकिन किस तरह से ये आपको फ़ायदा दे सकती है, मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप मूंगफली को खाएं तो जिनके ऊपर छिलका होता है, यानी आपको मूंगफली खानी कच्ची मूंगफली, आप कच्ची मूंगफली को छीलकर फिर ही आप उसको प्रयोग में करें। जो बाज़ार से लाई हुई मूंगफली आती है वो सही नहीं आती है, कृपया करके उसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। बाज़ार का कोई भी प्रोडक्ट आता है वह सही नहीं आता है। इससे अच्छा तो आप घर पे बनाए हुए फलों का जूस पी सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसा कि व्रत और उपवास के समय लोग कम मात्रा में भोजन खाते हैं, इस वजह से उन्हें कई बार कमजोरी महसूस होने लगती है। और एकादशी का व्रत तो दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक चलता है, तो ऐसे में मूंगफली खाने से व्रत करने वाले व्यक्ति को एनर्जी मिलती है। मूंगफली में प्रोटीन की भी मात्रा अधिक होती है, जिससे मूंगफली खाने से पेट भरता है और एनर्जी भी तुरंत मिलती है। मिड मॉर्निंग स्नैक या शाम को चाय के साथ उबली हुई भुनी हुई मूंगफली के दाने भी खा सकते हैं। इससे रात में भोजन से पहले आपको भूख नहीं लगेगी और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे पेट की गैस और ब्लोटिंग में बचने में भी मदद करेगी। साथ ही साथ मूंगफली का प्रयोग काफ़ी चीज़ों में किया जाता है। अगर आपको खून की कमी है तो मूंगफली आपको एनीमिया से भी बचाती है, इसीलिए आपको जैसे व्रत उपवास करते हैं, काफ़ी लोगों को बीमारियां भी होती हैं और काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, जैसे कि सेंधा नमक के बारे में मुझे बहुत सारे ढेरों जो कमेंट आते हैं उसमें यही लेडीज़ लोग यही पूछती है। मेरे से काफ़ी दीदियों ने पूछा है कि हमारा बीपी लो रहता है तो हम क्या नमक का यूज़ कर सकते हैं? तो मैं उनको सभी को यही जवाब देती हूँ कि जिनको भी ये प्रॉब्लम रहती है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, वो सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो व्रत की सही परिभाषा होती है उपवास की, वो मैंने एक वीडियो में आपको सही ढंग से बता रखा है। तो मूंगफली के नियमित सेवन से रक्त की कमी नहीं होती, इससे शक्ति मिलती है, शरीर का पोषण होता है। इसी तरह व्रत करने वाले लोगों को मूंगफली खाने से उन्हें दिन भर की शक्ति मिलती, भूख की वजह से चक्कर आने या कमजोरी महसूस करने जैसी समस्याएं भी नहीं होती हैं। कॉन्सेप्रेशन की परेशानी जिनको, उनको भी इन सब चीज़ों से, जिनको पेट से संबंधित जुड़ी हुई परेशानियाँ, वो मूंगफली खाने से भी सही हो सकती है। उपवास के नियमों का पालन करते हुए कई बार लोगों को खाने पीने में देर हो जाती है, जिससे कि काफ़ी लोगों को पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी जैसी
परेशानियां हो जाती है, जिनकी संभावना कम करता है मूंगफली। अब सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है मूंगफली, स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहती है, तो आप मूंगफली को प्रयोग में ले सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में। जैसे उम्र के साथ अगर आपको इनकी काफ़ी लोग जो वृद्ध महिलाएं होती हैं, जैसे जिनकी 40 से 50 अबाउट जिनकी एज होती है, वो लोग मतलब जैसे आध्यात्मिक तौर से जुड़ जाती है, तो एकादशी का व्रत वो अवश्य करती है। ये नेचुरली बात है, काफ़ी महिलाएं मतलब 20 से 30 अबाउट में नहीं करती, लेकिन जो 30 से 50 के अबाउट में काफ़ी महिलाएं एकादशी का उपवास करती है, तो उम्र बढ़ने के साथ ही चेहरे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ मूंगफली, जी हाँ, एक एंटी एजिटिक फूड है, जिसका मतलब मूंगफली खाने से आपकी स्किन पर बुढ़ापे के निशान देर तक नहीं दिखाई देते। साथ ही साथ ये हड्डियों को भी मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए आवश्यक कैल्शियम और विटामिन का भी प्रयोग किया जाता है। खासकर 35 वर्ष के बाद जब महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, तो उन्हें रेगुलर तौर पे मूंगफली का सेवन करना चाहिए। जिनको बदन दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, उनको ये सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि मूंगफली का आप एकादशी के व्रत में किस तरह से सेवन कर सकते हैं, और मूंगफली का प्रयोग, कौन सी वाली मूंगफली का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो बाज़ार से लाकर मूंगफली, एक वो बहुत चलती है हमारे यहाँ पे, जो क्या बोलते हैं उसको, फलारी नमकीन बोलते हैं उसको, वो भी खाते हैं। तो लेकिन जो मैं आपको सही बताती हूँ, बाज़ार के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो सही नहीं आते। जिस तेल में आपके पकौड़ी बनाते हैं, उसी तेल में व्रत की नमकीन फ्राई कर देते हैं। अधिकतर कहीं पर भी जाकर देखेंगे तो सही तरीके से कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जो भी आप व्रत या उपवास करते हैं, उसके दौरान घर के सामानों का ही प्रयोग करें। फ्रूट होते हैं वो नेचुरल होती है, फ्रूट का जूस, मूंगफली, जो कि जो छिलके वाली मूंगफली, उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। नमक युक्त जो मूंगफली आती है, उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी आज की विस्तृत की जानकारी। अगर आपको थोड़ी सी भी रोचक लगी हो, तो जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, या फिर आपके आसपास में, जैसे एकादशी के अलावा नवरात्र का भी काफ़ी लोग व्रत करते हैं, तो उनको आप ज़रूर सजेस्ट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।